नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन बवाल तब से खत्म नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी थी। वर्तमान में देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है, जबकि महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के फैसले को लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी बताया था। क्या है महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव, ये जानना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किए जाने संबंधी प्रस्ताव का ऐलान किया था। पीएम ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था, सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो। अभी भारत में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों के 21 वर्ष है। कानून में बदलाव के बाद अब महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल हो गई है। सरकार ने क्यों किया महिलाओं की शादी की उम्र में बदलाव का फैसला, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? पीएम मोदी ने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के फैसले के पीछे उन्हें स्वस्थ बनाना और कुपोषण से बचाना बताया था। साथ ही सरकार शादी की उम्र बढ़ाकर महिलाओं के कम उम्र में मां बनने से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को रोकना चाहती है। इस मामले में टास्क फोर्स गठित किए जाने के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 से 21 के अपने बजट भाषण में कहा था कि 1978 में शारदा एक्ट 1929 में बदलाव करते हुए महिलाओं की शादी की उम्र 15 साल से बढ़ाकर 21 साल की गई थी। उन्होंने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के हालिया प्रस्ताव की वजह बताते हुए कहा था कि अब जबकि भारत और तरक्की कर रहा है तो महिलाओं के लिए ऊंची शिक्षा हासिल करने और करियर बनाने के अवसर भी बढ़ाए गए हैं। साथ ही इस फैसले का उद्देश्य कम उम्र में शादी से मात्र मृत्यु दर के बढ़ने के खतरे को कम करना और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। सीतारमण ने कहा था कि इस पूरे मुद्दे को एक लड़की के मां बनने की उम्र में प्रवेश के नजरिए से देखना चाहिए। महिलाओं की शादी की उम्र में बदलाव के किस आधार पर सिफारिश हुई? महिलाओं की शादी की कम उम्र को बढ़ाकर 21 साल का किए जाने संबंधी प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दिसंबर 2020 में नीति आयोग को सौंपी गई। केंद्रीय टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित है, जिसकी अध्यक्ष जया जेटली थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में गठित इस टास्क फोर्स में नीति आयोग के डॉक्टर वी के पॉल और महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय के सचिव और विधायी विभाग भी शामिल थे। इस टास्क फोर्स का गठन मातृत्व की उम्र से संबंधित एमएमआर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधी मुद्दों से संबंधित मामलों के लिए किया गया था। टास्क फोर्स ने इस मामले को लेकर 16 यूनिवर्सिटीज, 15 एनजीओ, हजारों युवाओं, पिछड़े तबकों और सभी धर्मों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से समान रूप से फीडबैक भी लिया था और इसी आधार पर यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। तो महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा यह भी जान लीजिए। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के बाद इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई जगह बहस हो रही है, कई महिलाएं खुश है, कई जगह पर मिला जुला असर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। कई लोगों के मन में सवाल है कि देश में बालिग होने की उम्र 18 साल है और अगर कोई महिला 18 साल से अधिक और 21 साल से कम उम्र में शादी करती है तो क्या उसकी शादी वैध मानी जाएगी। दूसरा सवाल यह भी है कि अगर 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र की महिला सहमति से संबंध बनाती है तो क्या विवाह के लिए प्रस्तावित उम्र 21 से कम में ऐसा करने पर उसके साथी पर रेप की धाराएं लगेंगी? चलिए जानते हैं कि इन सवालों के क्या जवाब है। 18 से अधिक पर 21 से कम उम्र की महिला अगर सहमति से बनाएंगे संबंध तो क्या होगा? अगर कोई महिला 18 वर्ष की होने यानी कि बालिग होने पर और शादी की उम्र से पहले ही अपनी सहमति से संबंध बनाती है तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में फैसला देते हुए कहा था कि अगर कोई महिला बालिग है तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने या अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। शीर्ष कोर्ट कई बार ये कह चुकी है कि दो बालिग लोग जो कि 18 या उससे अधिक के हों अपनी सहमति से लिव इन पार्टनर के रूप में एक साथ रह सकते हैं भले ही वे शादीशुदा ना हों। 7 मई 2018 के एक आदेश में जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण के सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ऐसे ही एक मामले में जहां लड़की 19 वर्ष की थी लेकिन लड़का 21 वर्ष का नहीं था
कहा था कि वे दोनों बालिग हैं, यहाँ तक कि अगर वे शादी की व्यवस्था में शामिल होने के योग्य नहीं भी हैं, तो भी उन्हें शादी के बाहर भी साथ रहने का अधिकार है। पसंद की आजादी लड़की की होगी, वो किसके साथ रहना चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत भी मान्यता मिल चुकी है। नियमों से स्पष्ट है कि भले ही महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए, लेकिन तब भी किसी महिला को 18 वर्ष का होना यानी कि बालिग होने पर शादी के बिना भी अपनी सहमति से संबंध बनाने या लिव इन पार्टनर के रूप में रहने का अधिकार होगा। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट, और जिसे हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं, उसको मजबूती के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके गलत जो मतलब हैं, गलत जो पहलू हैं, वो कहीं ना कहीं निकाले जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। 18 से अधिक पर 21 से कम उम्र की महिला करेगी शादी तो क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल भी आम लोगों के मन में आ रहे हैं कि अगर 21 उम्र कर दी गई है तो क्या 18 से ऊपर की जो लड़कियां हैं वो शादी करती हैं, तो क्या वो शादी वैध नहीं होगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 किए जाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या 18 से अधिक यानी कि बालिग लड़की जो 21 से कम ही होगी मर्जी से शादी कर पाएगी। इसे समझने से पहले विवाह बाल विवाह के नियमों को समझना बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि किन परिस्थितियों में विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह प्रतिप्रषेध अधिनियम 2006 के तहत अगर पुरुष आयु 21 वर्ष से कम और महिला आयु 18 वर्ष से कम हो तो उसे चाइल्ड यानी कि बालक माना जाता है। बाल विवाह क्या है? अगर महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी चाइल्ड या बालक है तो उन दोनों के विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। अगर लड़का वयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को महिला के पुनर्विवाह तक भरण पोषण या आवास का आदेश दिया जाता है। ऐसे शादी करवाने वाले, संचालन करने वाला या प्रेरित करने वालों को भी 2 साल की सजा या 1,00,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। अगर बाल विवाह होने से बच्चा पैदा हो जाए या महिला गर्भवती हो जाए तो भी शादी अवैध ही होगी। बाल विवाह से पैदा होने वाले बच्चे के ऐसे बच्चे को धर्मज माना जाएगा। ऐसे में बच्चे के पालन पोषण का आदेश विवाह के पक्षकार यानी कि लड़का लड़की या उनके माता पिता या संरक्षक को दिया जा सकता है। अगर लड़का और लड़की दोनों 18 साल से कम उम्र के हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के मुताबिक अगर लड़का और लड़की दोनों नाबालिग यानी कि 18 साल से कम उम्र के हैं तो बालक विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक बाल विवाह का शून्य माना जाएगा। अगर लड़का 18 साल से अधिक और लड़की 18 साल से कम उम्र की हो, अगर लड़का 18 साल से अधिक और लड़की 18 साल से कम है तो भी बाल विवाह होने के कारण इसे शून्य माना जाएगा। ऐसे मामलों में अगर लड़की शिकायत करती है तो लड़की को 2 साल की जेल हो सकती है। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे को लेकर तमाम सवाल तमाम जवाब किए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें शादी से जुड़े अन्य जो अधिनियम हैं, जो एक्ट हैं, उनका जानना भी बेहद जरूरी है। अगर लड़का 21 से अधिक और लड़की 18 से कम हो, अगर लड़का 21 या उससे अधिक हो यानी शादी की उम्र के कानूनी रूप से योग्य हो, लेकिन लड़की 18 साल के कम उम्र की हो, तो इस स्थिति में एक के बालिग होने की वजह से इसे बाल विवाह ही माना जाएगा और शादी को शून्य माना जाएगा। इस स्थिति में भी लड़की शिकायत करती है तो लड़के को 2 साल की जेल हो सकती है। अब तक लड़की के 18 या उससे अधिक की उम्र का होने पर उसे शादी के लिए कानूनी रूप से योग्य माना जाता था, लेकिन अब जब लड़की की शादी की उम्र 21 हो गई है तो अगर वो 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र में शादी करेगी तो उसके भी बाल विवाह के अंतर्गत आने का खतरा रह सकता है। ऐसे में उसके लिए बालिग होने के बावजूद शादी करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इसे लेकर स्थिति कानून बनने के बाद ही साफ हो जाएगी। चलिए अब आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं जो हमने हमारी टीम ने तैयार की है। युवा उड़ते हैं सपनों की उड़ान चाहे जितनी ऊंची हो। लड़कियों की 18 साल की उम्र को भी लड़कों की तरह ही नादान मानने वाले प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यूं तो इस बात को देश की कई अदालतें पहले भी कह चुकी हैं, लेकिन अब अगर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये कानून बनता है तो लड़कियों की शादी भी 18 साल की बजाय 21 साल की उम्र में ही हो सकेगी। लड़कियों की बालिग उम्र को लेकर समय समय पर बहस होती रही है। लड़के लड़कियों की बराबरी के पैमाने पर दिखाने वाले आईने पर शादी की उम्र का ये फैसला दाग जैसा ही है। बेशक लड़कियां कम उम्र में नौकरी करने के लिए फिट हों, स्कूटर मोटरसाइकिल या कार चलाने में एक्सपर्ट हों, लेकिन खुद की जिंदगी का फैसला चाहे वो करें या उनके परिवार वाले करें, अब 18 साल की उम्र को इसके लिए वाजिब नहीं माना जाएगा। सरकार को दिए गए प्रस्ताव में लड़के और लड़कियों की उम्र में बढ़ते जा रहे भेदभाव पर सवालिया निशान खड़े किए थे और इस पूरे मामले को हवा दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
पहले केंद्रीय बजट में, फिर लाल किले के 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में और फिर 16 अक्टूबर 2020 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बात दोहराई कि लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने की सरकार सोच रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमिटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। 1978 से लागू कानून में लड़कों के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल है, तो वहीं लड़कियों के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल रखी गई है। वहीं अब यूनियन कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद लड़के और लड़कियों की शादी को लेकर उम्र की ये असमानता अब समान हो सकेगी। लड़कियों के हाथ अब 21 साल की उम्र के बाद ही पीले हो सकेंगे। भारत के सामाजिक विचार में लड़कियों को 18 साल का होते ही विदाई के लिए तैयार होने को कहा गया। छोटे शहरों और कस्बों में तो अपने पैरों पर खड़े होने या कुछ कर दिखाने के सपने तो टूटते ही हैं। साथ ही शहरों में भी बहुत सी लड़कियों पर 18 आते आते परिवार का दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ समाज, अदालत और सरकार लड़के लड़कियों की शादी के उम्र के इस अंतर को खत्म करने की पूरी पटकथा लिख चुके हैं। मौजूदा कानून के मुताबिक देश में लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। बता दें कि नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे। टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चों को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कानून क्या कहता है? इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये सभी कानून लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र 21 और 18 साल मानते हैं। धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई। अभी देश में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। भारत में लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर काफी लंबे समय से बहस होती रही है। बाल विवाह जैसी प्रथा पर रोक लगाने के लिए आजादी के पहले भी कई बार लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बदलाव किया गया। दरअसल आजादी के पहले लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर अलग अलग न्यूनतम आयु तय की गई थी, लेकिन कोई ठोस कानून न होने से 1927 में शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनेता और समाज सुधारक राय साहब हरबिलास सारदा ने बाल विवाह रोकथाम के लिए एक विधेयक पेश किया। विधेयक में शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल करने का प्रस्ताव था। 1929 में ये कानून बना जिसे सारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1978 में इस कानून में संशोधन हुआ और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 और लड़कियों के लिए 18 साल कर दी गई। और आज 43 साल बाद सरकार ने कैबिनेट में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। लेकिन समस्या खत्म हो चुकी है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि इस बदलाव के साथ साथ कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सरकार ने लड़के और लड़कियों के बीच समानता के जिस छोर को छुआ है, क्या वो पूरा भी होगा या नहीं? क्योंकि भारत में कई कानून सिर्फ कानूनी बातों और किताबों में दम तोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। इस
इस पूरे मसले को लेकर बवाल मचा हुआ है। महिलाओं से अगर आप बात करें तो महिलाएं बेहद खुश हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, कुछ युवा हैं वो बेहद खुश हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल खुश नहीं है, कुछ नेता ऐसे हैं जो इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसे शर्मनाक बयान दे रहे हैं शायद जिसे सुनना भी कहीं ना कहीं गलत होगा, लेकिन सुनना जरूरी है कि आखिर कैसी मानसिकता ये नेता रखते हैं। तो इस मसले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां एक तरफ महिलाएं खुश है तो कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं। तो हम नोएडा के ही एक इलाके में मौजूद है, जहाँ पर कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, कितनी ज्यादा खुशी उन्हें है, कितनी ज्यादा जो संतुष्ट वो हैं इस फैसले से। तो सीधे उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कीर्ति है। आप बताइए, आज केंद्र सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है कि अब लड़कियों की शादी की उम्र जो है बढ़ा के 18 से 21 साल कर देगी, आप क्या कहना चाहेंगी? वैसे लड़कियों के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ना क्या होता है कि कुछ लड़कियां जो होती हैं वो पढ़ नहीं पाती है, जिनको पढ़ने की भी इच्छा होती है वो नहीं पढ़ पाती हैं। तो अब क्या है, इससे उनको आगे पढ़ने का भी, आगे बढ़ने का भी और अपने जीवन में कुछ करने का मौका मिलेगा इससे। और यानी कि देखिए, अब केंद्र सरकार ने फैसला तो ले लिया, पहले हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा जो लड़कियां होती थी जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा होती थी और वो चाहती थी कि हम बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचे, कुछ काम करें, लेकिन एक परिवार का दबाव होता था, तो यानी कि अब वो चीज़ें नहीं होंगी और लड़कियां बहुत आगे बढ़ती जाएंगी। हाँ, वो तो है। अब ये है कि भाई अपने उससे जियो कि हाँ मुझे ये करना है तो वो करना ही है। चलिए, आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम पूजा है। और हाँ, मुझे इस फैसले से बहुत खुशी है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों पे एक बर्डन रहता है कि 18 साल की हो गए तो इनकी शादी कर दो, ये एक्चुअली अधिकतर फैमिली में देखने को मिलता है। पर इस फैसले से बहुत खुशी मिली है, क्योंकि इस अब जो लड़कियां हैं वो फ्रीली अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, उन पर किसी तरीके का बर्डन नहीं होगा, उनको किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं होगा अपनी लाइफ में। पढ़ाई लड़कियां कर सकती हैं और अपने हक के लिए भी अब लड़ सकती हैं, कि जहां पर बाल विवाह कर दिया जाता था अब उसके लिए लड़कियां डट कर खड़ी हो सकती हैं और लड़ सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर देखा गया है, ज़्यादातर गाँव के जो इलाके हैं स्पेशली वहां पर भी ये चीज़ देखी गई है कि लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस फैसले से जो उस टाइप के परिवार हैं जो अपने लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं, उन पर थोड़ा ये रहेगा कि वो इस चीज़ में थोड़ी लड़कियों को सहूलियत मिलेगी, वो आगे अपने करियर में कुछ कर सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से आप लगातार बता रही हैं कि लड़कियों को बहुत सहूलियत मिलेगी, और अक्सर हम देखते हैं कि वैसे तो भारत में जिस तरह से लड़के आगे बढ़ते हैं लड़कियां भी बढ़ती हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं ये पॉइंट था जहां पर लड़कियों को दबा दिया जाता था कि चलिए अब उम्र हो गई, 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई हो तो शादी करा देनी चाहिए, उम्र निकल जाएगी, तो वो चीज़ नहीं देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल, वो चीज़ कहीं ना कहीं लोगों की दब जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों पर ज़्यादातर बर्डन रहता है कि आपको अगर 18 साल के हो गए तो आपको शादी करनी है, और बहुत सारी लड़कियां 18 साल के पहले उनकी मतलब बहुत कम एज में शादी कर दी जाती है और बाद में उनको विदा किया जाता है। लेकिन इस तरीके के जो सिस्टम है वो लड़कियों के लिए बहुत ख़राब है, और कहीं ना कहीं इस फैसले से बहुत सारी लड़कियां खुश होंगी, क्योंकि उनको आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो देखिए, आज केंद्र सरकार की तरफ से ये लिमिट बढ़ा दी गई है कि 18 नहीं अब 21 साल की उम्र में लड़कियां शादी कर सकेंगी। क्या लगता है, जो पहले बाल विवाह जो कहीं आज भी देखते हैं हम दूर दराज के गांव में कि बाल विवाह होते हैं, लड़कियां बोल नहीं पाती, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती, तो अब इस फैसले से ये बाल विवाह वाली जो चीज़ है वो कम हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, बाल विवाह जैसी चीज़ें बिल्कुल कम हो पाएंगी, क्योंकि पहले ये चीज़ें होती थी, जैसे अगर आप बात करें राजस्थान की या कोई ऐसे जगहों की, तो वहाँ पे बहुत छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। लेकिन अब अगर केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आगे जा कर के एक जो बच्चों पर दबाव होता है, एक लड़कियों पर जो दबाव होता है वो दबाव नहीं पड़ेगा उन पर, और वो अपनी तरफ से अच्छे से आगे पढ़ाई कर सकती हैं, अपनी लाइफ जी सकती हैं, या आगे जो भी करना चाहती हैं अपनी लाइफ में वो कर सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में तो लड़कियां वैसे ही बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, फैमिलीज ऐसी हो गई हैं कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं, लड़कियों को 26 27 तक भी 28 तक भी नहीं कहते, क्या कहते हैं कि चलिए आप पहले अपने ड्रीम्स पूरे कर लीजिए, उसके बाद आपका जब मन करे शादी करें। लेकिन अब भी गाँव में जो है ये सबसे ज़्यादा चीज़ गाँव में ही देखी जाती है, कुछ शहरों में भी देखी जाती है कि वहाँ पर 18-20 साल की लड़की हुई तो कह दिया जाता है शादी कर लो, उम्र निकल जाएगी। तो यानी अब गाँव में दबाव लड़कियों पर कम पड़ेगा इस वजह से, क्या लगता है आपको?
हाँ बिल्कुल दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि जब फैसला ही लिया गया है तो अब बिल्कुल अगर शादी कर भी देते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाएगा, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं बनता है शादी करने का। और अच्छी बात है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है सरकार की कि अगर 18 साल के ऊपर की शादी होगी तो उसमें लड़कियाँ भी समझदार हो जाएंगी, आगे की चीज़ों में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए अच्छी बात है ये। तो बिल्कुल देखा आपने कि किस तरह से लड़कियां जो हैं केंद्र सरकार की तरफ से फैसला लेने के बाद से काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और साफ तौर पर ये कह रही हैं कि अब सरकार की तरफ से अगर ये फैसला ले लिया गया है तो ये बहुत अच्छा फैसला है और जो लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत है। क्योंकि जहां पर आज भी बहुत जगह हमने देखा है कि लड़कियों पर प्रेशर डाल दिया जाता है, शादी कर लो 18-20 साल की उम्र में आप आ गए हो और शादी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी। अब 21 साल तक लड़कियां बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी सकेंगी और आगे की पढ़ाई अपने कर सकेंगी, जब चाहेंगे तब वो कुछ कर सकेंगी, अपनी आवाज उठा सकेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो बाल विवाह करा दिए जाते थे अब उन पर लगाम लग सकती है। तो 21 साल उम्र कर दी गई है शादी की लड़कियों के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई इसे महिला सशक्तिकरण से जोड़ रहा है, कोई ये कह रहा है कि अब महिलाओं को कहीं ना कहीं ज्यादा समय मिलेगा अपना करियर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो कुछ का कहना है कि लड़कियां आवारा हो जाएंगी, महिलाएं इसे पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ देख रही हैं। इसमें कितनी पॉजिटिविटी है ये दिखाई देता है कि ऐसे में दोनों की उम्र, चाहे वो लड़का हो और लड़की हो, दोनों की उम्र महज 21 साल है और इस 21 साल में दोनों की शादी होना तय माना जा रहा है। हालांकि आपको शादी कब करनी है कब नहीं करनी है ये आपका पर्सनल व्यू है, आपका पर्सनल ये मैटर है कि आपको शादी किस उम्र में करनी है, लेकिन अगर 18 के बाद भी आप शादी करना चाहते हैं और 21 से आप कम हैं तो तब भी आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आपकी ये शादी बाल विवाह होगी या नहीं होगी ये कानून पर आधारित रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।